हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज है 19 अगस्त और आज है रक्षाबंधन। सावन महीने का आखिरी दिन है और अंतिम सोमवारी भी है। साथ ही बहुत अच्छे दिन इस बार रक्षाबंधन का पर्व हुआ है, तो हमारे यहाँ सब आए हैं, हमारी ननद, हमारी जेठानी की बेटियाँ सब रक्षाबंधन मनाने के लिए। तो यहीं पर सब कोई एक दूसरे को राखी बांध रहे हैं और मेरी तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार रक्षाबंधन बहुत अच्छे दिन पड़ा है, जैसा कि आप सबको पता है अंतिम सोमवारी है, भोले बाबा का दिन है और सभी पे भोले बाबा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, मैं यही कामना करती हूँ। मैं इस बार नहीं जा पाई हूँ राखी बांधने, क्योंकि इस बार 1:30 बजे के बाद ही रक्षाबंधन मतलब मनाना था ये पर्व, और मेरे यहाँ सब आए हुए हैं तो इसलिए मैं नहीं जा पाई। मैंने पहले ही अब अपने भाइयों को राखी भेज दी है और यहाँ पे देखिए अभी बेबी अपने भाई को राखी बांध रही है, विशाल को भी राखी बांधेगी। विकास तो यहाँ है नहीं, वो कहीं इस बार घूमने निकला हुआ है, तो जो यहाँ घर पे हैं उन सबको राखी बांधेंगे। और वैष्णवी भी आई है, वैभव भी आए हैं, तो सबको यहीं पे राखी बांधा जाएगा। आप लोग वीडियो के साथ बने रहेगा, बहुत छोटी सी वीडियो है लेकिन चलिए मेमोरी के लिए अच्छा है, मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करूँ, क्योंकि इधर मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ। कारण यह है कि तबीयत अब मेरी ठीक नहीं रहती है, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो चलिए आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। तो अभी देखिए बेबी विशाल को राखी बांध रही है और पीछे येलो टी शर्ट में हमारा वैभव है, जो कि चांदी वाली राखी ला के दे रहा है, जो मतलब 2 साल पहले अनीता ने दिया था सबको, क्योंकि वो इस बार राखी नहीं बांधने आई है, तो उसकी राखी भी बेबी ही बांध रही है। वो हमारी जेठानी की बड़ी बेटी हैं तो नहीं आ पाई हैं, तो उनकी राखी तो उसे भी मैंने दे दिया है कि विशाल को बांध देंगी। यहीं पे है, सबको 2 साल पहले ही उन्होंने चांदी की राखी दी थी, तो बस यही सब जो हमारे घरेलू फैमिली का ये रक्षाबंधन का पर्व था जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। हेलो गाइस, मैं वैष्णवी, मैं आई हूँ बुआ के घर और मुझे विशाल भैया को राखी बांधना था, साथ साथ में वैभव भी आया है। हाँ, तो साथ ही में दोनों भाइयों को राखी बांध दूँगी। और कोई वीडियो बनाने के लिए नहीं था, राखी वाला जो शॉर्ट था उसके लिए, तो डायरेक्ट यहीं से आया वीडियो। बस मैंने दोनों भाइयों को राखी बांध दी है, अब दोनों भाई मुझे मिठाई खिला रहे हैं और मैं भी उनको मिठाई खिला रही हूँ। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, बहुत छोटी सी क्लिप है, आशा है आप सबको पसंद आई होगी रक्षाबंधन की ये छोटा सा जो वीडियो ब्लॉग था। और इसी के साथ इस वीडियो का इन भी करती हूँ, हमारी वैष्णवी आई हुई है और उसने थोड़ा सा वॉइस ओवर किया है, आप लोग को पसंद आया कि नहीं बताइएगा। और एक बार फिर से मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। सो दोस्तों, शीतल संध्या भी आ गई हैं और विशाल को अभी राखी बांध रही हैं, तो अभी समय तो लगभग 7:30 का ही हो रहा है, सारे लोग चले गए, जितने लोग आए थे सब लोग चले गए हैं, बस शीतल संध्या है तो ये भी राखी बांध के निकल जाएंगे, इनके पापा साथ में हैं तो थोड़ा देर हम लोगों ने रोक लिया था, और इसके बाद ये भी चली जाएंगी, फिर हमारा घर पूरा खाली हो जाएगा। तो कुछ इसी तरह इस बार का रक्षाबंधन मनाया हमने, और आप सभी को रिंकी फैमिली ब्लॉग्स की तरफ से ढेर सारी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। आप लोग खुश रहिए, खुशहाल रहिए, खुशियां बांटते रहिए।